राजकीय पाठशालाओं में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के प्रतिस्पर्धात्मक कौशल को निखारने और प्रतियोगी परीक्षाओं में अपेक्षित परिणामों को और बेहतर करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा शिक्षा विभाग और गैर सरकारी संस्थाओं के सहयोग से कायाकल्प कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इसमें हमीरपुर जिला की विज्ञान संकाय के सभी 75 राजकीय पाठशालाओं के जमा एक व जमा दो कक्षा के छात्रों को समर क्लासेस के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों के लिए एक मंच उपलब्ध करवाया जा रहा है। उपायुक्त हरिकेश मीणा ने बताया कि आज के प्रतिस्पर्धा के दौर में राजकीय पाठशालाओं के बच्चों को निशुल्क कोचिंग स्कूल स्तर पर उपलब्ध करवाना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है, ताकि नीट और जेई जैसी परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन वे बच्चे कर सके। इसके लिए खंड स्तर पर 7 क्लस्टर स्थापित किए गए हैं। हमीरपुर खंड में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बाल हमीरपुर, सुजानपुर में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला छात्र सुजानपुर, बड़सर खंड के लिए राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बिजट तथा बणी, नदौन में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला छात्र नदौन व कांगू, भोरंज में जवाहर नवोदय विद्यालय डूंगरी तथा गलोड़ खंड के लिए राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कांगू में 27 जून से 1 माह तक समर क्लासेज लगाई जा रही हैं। उपायुक्त ने स्वयं हमीरपुर नदौन तथा कांगू में पहुंचकर छात्रों का मार्गदर्शन किया और उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी प्रदान की। उन्होंने बताया कि समर क्लासेज के लिए छात्रों में काफी उत्साह है और अभी तक जमा एक कक्षा के 706 तथा जमा दो कक्षा के 713 आवेदन शिक्षा विभाग के पास पहुंच चुके हैं। इनमें से लगभग 1010 छात्र छात्राएं इन केंद्रों पर पहुंचे। मंडी के उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने सभी बस संचालकों एवं आम लोगों से हिमाचल को जीरो एक्सीडेंट स्टेट बनाने के लिए मिलकर प्रयास करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि बस हादसे न केवल बहुमूल्य जीवन समाप्त करते हैं, बल्कि विदेश तक में प्रदेश की छवि को नुकसान पहुंचता है। उन्होंने जोर दिया कि हमें पहाड़ों में बस सफर को खतरनाक मानने की धारणा और माहौल नहीं बनने देना है। इसके लिए जरूरी है कि सब अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाएं, यातायात नियमों का पालन करें, लापरवाही और जोखिम भरी ड्राइविंग की प्रवृत्ति छोड़ दें। उपायुक्त ने बस संचालकों से प्रत्येक रूट पर चलने वाली उनकी बस के ड्राइवर की फोटो सहित पूरी जानकारी हफ्ते भर के भीतर क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कार्यालय में देने को कहा। हर बस के अंदर और बाहर ड्राइवर की फोटो और पूरी जानकारी प्रमुखता से प्रदर्शित करनी होगी, ताकि सवारियों को बस ड्राइवर की पूर्ण जानकारी हो सके। ऋग्वेद ठाकुर ने कहा कि बसों में आरटीओ कार्यालय के फोन नंबर भी लिखें, जिससे बस में सफर कर रहे लोग किसी अप्रिय स्थिति की सूचना उन्हें दे सकें। लोगों से भी उन्होंने आग्रह किया कि यदि बस में जिस ड्राइवर का फोटो लगा हो उसके स्थान पर कोई और बस चला रहा हो तो तुरंत आरटीओ कार्यालय के नंबर पर फोन करें। इसके अलावा ड्राइवर नशे में लगे बस चलाते हुए मोबाइल पे बात करे या म्यूजिक सिस्टम चलाता है बस ओवर स्पीड चलाए, बस में किसी तकनीकी खराबी के कारण यात्रियों की सुरक्षा चिंतित नजर आए तो इन सभी मामलों की सूचना तुरंत फोन के माध्यम से दें। उन्होंने बस संचालकों से ऐसे रूट की जानकारी भी साझा करने का आग्रह किया जिन पर अक्सर ओवरलोडिंग की समस्या रहती है। बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुनीत रघु ने यातायात नियमों के पालन पर बल दिया। उन्होंने सभी से आग्रह करते हुए कहा कि पुलिस के लिए नहीं बल्कि अपनी व जनता की सुरक्षा के लिए नियमों का पालन करें।
चलान समस्या का कोई हल नहीं है, हल है कानून को ठीक ढंग से पालन करना। अगर एक बस चलाने के लिए आपके पास दो तीन लोग हैं तो आप दो तीन लोगों के फोटो दे दीजिएगा, दो तीन कागज लगा दीजिएगा, पर बस वही चलाएगा जो उसका फोटो उसके हो, क्योंकि अदरवाइज जो बस में सवार हो रहा है उसको पता नहीं है कि ये ड्राइवर जेन्युइन है कि नहीं है। आजकल नए नए लड़के भी गाड़ी चला रहे हैं तो ऐसे पता नहीं चलता है। HRTC के भी नए नए लड़के हैं, मैं एक दो बार भी वॉल्वो में चला गया, ऐसा लगा कि ये तो पता नहीं लड़का है भी कि नहीं है। पर वो चीज पता करने के लिए मैं तो HRTC भी आग्रह करूंगा कि आपके भी जो बसेज में ड्राइवर होंगे उनकी फोटो उसमें होनी चाहिए, ताकि सबको पता चले कि कौन ड्राइवर है कौन बस चला रहा है। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी मंडी कृष्ण चंद ने बैठक की कार्रवाई का संचालन किया और सभी बस संचालकों को यातायात नियमों व प्रावधानों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने संचालकों से कहा कि ओवरलोडिंग ना करें, जरूरी दस्तावेज के बिना सड़क पर गाड़ी ना दौड़ाएं, अपने रूट और समय के अनुरूप चलें, सवारियों से सरकार द्वारा तय दर पर ही किराया वसूले और टिकट अवश्य दें। वहीं उन्होंने ड्राइवरों और कंडक्टरों को सवारियों से शालीनता पूर्वक वार्ता करने के प्रति भी प्रशिक्षित करने की बात कही। इस मौके पर बस संचालकों ने सुरक्षित यातायात सेवा के प्रशासन के प्रयास का पूरा सहयोग करने की बात कही। उन्होंने अपने सुझाव व समस्याएं भी रखी। रूट परमिट के संशोधन, सड़कों की स्थिति में सुधार, ड्राइवरों के लिए सरकार की ओर से प्रशिक्षण की व्यवस्था इत्यादि की मांग के अलावा ओवरलोडिंग की समस्या से निजात के लिए कम दूरी के सफर पर सवारियों को वैकल्पिक परिवहन व्यवस्था करने सहित कई अन्य सुझाव भी दिए गए।